आज श्योपुर में NSUI छात्र छात्राओं व छात्रों ने जिलाध्यक्ष प्रदीप जाट के नेतृत्व में मध्य प्रदेश NSUI अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी व प्रदेश प्रभारी नीतीश गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष चौकसे के निर्देशानुसार व्यापम द्वारा आयोजित संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होने एवं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हो रही गड़बड़ी व दिग्विजय सिंह सहित नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के विरोध में जयस्तंभ चौक पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। NSUI जिलाध्यक्ष प्रदीप जाट के द्वारा बताया गया कि शिक्षक संविदा वर्ग 3 का पेपर लीक होने पर सरकार को पेपर दोबारा करवाना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति उसके लायक हो उसको मौका मिलना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़े। और एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा कहते हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, तो दूसरी तरफ पेपर लीक करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी तरह पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको लेकर आज जयस्तंभ पर NSUI द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता राहुल चौहान, प्रदेश सचिव गिरिराज चौधरी, सेवादल जिलाध्यक्ष कमल शर्मा, NSUI विधानसभा अध्यक्ष कार्तिक आर्य, महाविद्यालय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, राजकमल, शशांक, यश, अमित, दीपेंद्र, कौशल, सोनू, विकास, आशाराम, रामजीत आदि युवा मौजूद रहे। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे मुकदमों की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सिक्की राजा जिंदाबाद, 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 कमलनाथ जी जिंदाबाद, 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 सिक्की राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में छात्रों की, युवाओं की, हर वर्ग की हालत खराब है और पूरे मध्य प्रदेश में घोटालों के खेल दोबारा से चालू कर दिए। जैसे पहले व्यापम में कई युवाओं की मौत हो चुकी है, कई लोगों ने अपने घर बार बेच दिए पढ़ाई करने के खातिर, और आज भी प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं। शिवराज मामा एक तौर मंच पे कहते हैं कि मैं भांजे भांजियों का मामा हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ, और एक तरफ घोटाले बंद नहीं हो रहे हैं। हाल ही में अभी जो शिक्षा कर्मियों की जो वर्ग 3 के जो एग्जाम हुए थे, वो एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले ही सब पेपर व्हाट्सएप पे आ गए और पेपर लीक हो गए, और कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के व्हाट्सएप पे पेपर देखे गए हैं। तो हम इनकी मांग करते हैं कि इनकी CBI जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो और दोबारा से पेपर कराया जाए, ताकि जो होनहार छात्र उनको मौका मिला जाए। और दूसरी चीज़, पुलिस कांस्टेबल में जो छात्र सुबह तक क्वालिफाई हो जाता है, वही छात्र शाम तक डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो ये जो घोटालों की राजनीति है, शिवराज सिंह जी बंद करें। दिग्विजय सिंह जी पे जाने कौन सा मुकदमा, जाने कौन सी पुराने केस निकाल के जबरदस्ती FIR लगा दी। ये जो चुनाव की राजनीति चालू कर दी शिवराज सरकार ने, हम सब युवाओं का एक ही निवेदन है उनसे और हमारी ललकार है, हमारी चुनौती है कि ये राजनीति जो दलाली की, भ्रष्टाचारी की, घोटाले की आप कर रहे हैं, इसको बंद कर दें। 2023 में आपको युवा करारा जवाब देगा।